नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम रुपेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ अपने मोबाइल से तत्काल टिकट बुक कैसे करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को तत्काल टिकट बुक करके लाइव दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि अपने फ़ोन से तत्काल टिकट बुक कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को देख कर आप बहुत ही आसानी से अपने फ़ोन से तत्काल टिकट आप बुक कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस तरह का हेल्प वीडियो को देखने के लिए बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यहाँ पे आप सबको बता दो कि तत्काल टिकट बुकिंग करने का जो टाइमिंग होता है, एसी के लिए सुबह 10 बजे होता है और नॉन एसी के लिए सुबह 11 बजे होता है। किसी भी ट्रेन की तत्काल टिकट की बुकिंग ट्रेन खुलने से एक दिन पहले का टिकट बुक होता है, न कि यात्रा करने से एक दिन पहले का। तत्काल टिकट बुकिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन से IRCTC एप्लीकेशन को ओपन करना है। दोस्तों, अभी तक आपने IRCTC में अकाउंट नहीं बनाया है, यूजर आईडी पासवर्ड नहीं बनाया है, तो इस पर मैं सभी वीडियो को बना चुका हूँ। उस वीडियो को देखकर आप बहुत ही आसानी से IRCTC में अकाउंट बना सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपना 4 नंबर का पिन डालना है, इसके नीचे कैप्चा डालना है। इसके बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है तो आप IRCTC में लॉगिन हो जाएंगे, जिससे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए। जहाँ पे लिखा प्लान माई जर्नी, आपको प्लान माई जर्नी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फ्रॉम में सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ से यात्रा करना चाहते हैं और टू में सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ पर जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें लुधियाना से नई दिल्ली का टिकट बुक करना है, तो हमने फ्रॉम में सेलेक्ट कर लिया है लुधियाना और टू में सेलेक्ट किए हैं नई दिल्ली। इसके नीचे आपको डेट सेलेक्ट करना है। दोस्तों, ट्रेन खुलने से एक दिन पहले का तत्काल टिकट बुकिंग होता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कोटा सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करना है और इसमें से आपको तत्काल को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको सर्च ट्रेन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको थोड़ा समय तक वेट करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिससे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं। दोस्तों, आपने जिस डेट में टिकट बुक करना चाहते हैं उस डेट में उस रूट की जितना भी ट्रेन होगी उसका लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ट्रेन का टाइम टेबल सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आप जिस ट्रेन के जिस क्लास में टिकट बुक करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें इस ट्रेन में 2nd क्लास में टिकट बुक करना है, तो यहाँ पे हम 2S पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जितना सीट अवेलेबल है यहाँ पे आप दे सकते हैं और इसका किराया कितना है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो जहाँ पर लिखा हुआ ग्रीन में AVL और कितने संख्या में सीट अवेलेबल है, आपको इस पर एक बार क्लिक करना है, यानी कि इसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको पैसेंजर डिटेल्स पर क्लिक करना है, फिर IAGREE पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ओके का बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा, जिससे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे पैसेंजर का डिटेल फिल करना है। दोस्तों, यदि आप पैसेंजर का नाम पहले से मास्टर लिस्ट में ऐड किए होंगे तो आपको ऐड एग्जिस्टिंग पे क्लिक करना है और यहाँ से पैसेंजर का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। यदि पैसेंजर का नाम पहले से ऐड नहीं किए होंगे तो आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे पैसेंजर का नाम डालना है। सबसे ऊपर आपको पैसेंजर का नाम डालना है, इसके नीचे एज डालना है, इसके नीचे मेल फ्रेंड सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको ऐड पैसेंजर पे क्लिक करना है तो पैसेंजर का नाम ऐड हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपके साथ में कोई और भी पर्सन है उनका भी आप टिकट बुक करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप ऐड न्यू पे क्लिक करके आप उनका भी नाम ऐड कर सकते हैं। यदि आपके साथ में कोई चाइल्ड है तो आपको ऐड इन्फेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको बच्चा का भी डिटेल फिल कर देना है। इसके नीचे पैसेंजर का मोबाइल नंबर डालना है। इसके नीचे अदर प्रेफरेंस में आपको दोनों बॉक्स को टिक कर देना है। इसके नीचे आना है, आप जहाँ पर जाना चाहते हैं वहाँ का एड्रेस डालना है, डेस्टिनेशन एड्रेस डाला है। फर्स्ट लाइन में एड्रेस डालना ही डाला है और आप 2nd और 3rd लाइन को छोड़ भी सकते हैं। इसके नीचे आप जहाँ पे जाना चाहते हैं वहाँ का पिन कोड डालना है। जिसे आप पिन कोड डालेंगे तो आपका एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। पोस्ट ऑफिस सही सिलेक्ट नहीं होता है तो इसको आप मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे पेमेंट मेथड पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स, यदि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट से पेमेंट करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को टिक करना है। यदि आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो 2nd वाले ऑप्शन को टिक करना है, तो हम 2nd वाले ऑप्शन को टिक करते हैं। इसके नीचे ट्रैवल इंश्योरेंस पूछ रहा है, तो आपको यस ही करना है क्योंकि आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। इसके बाद आपको रिव्यू जॉनर डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। जिससे आप रिव्यू जॉनर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा, जिससे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको कैप्चा को डालना है, जो यहाँ पर इमेज में देख रहा है सेम टू सेम इस कैप्चा को हमें फिल कर देना है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू पे के बटन पर क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करना है। यदि आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, बैलेंस, UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको जाना है। भीम UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको 2nd वाले ऑप्शन को टिक करना है, तो हम 2nd वाले ऑप्शन को टिक करते हैं।
इसके बाद आपको पे के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा। UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो जहाँ पे UPI लिखा आपको इसको टिक करना है और यहाँ पे आपको UPI ID डाला है जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स हम फ़ोनपे का UPI ID डालते हैं, हम फ़ोनपे से पेमेंट करना चाहते हैं। इसके बाद आपको पे के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर टाइमिंग चलने लगेगा, इसी टाइमिंग के अंतर्गत आपको पेमेंट की प्रोसेस को कम्प्लीट करना है। तो हम अपने फ़ोन से फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि होम पेज में ही आ चुका है पे करने के लिए। हम यहाँ पे के बटन पे क्लिक करते हैं, फिर सेंड के बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम अपना UPI पिन को डालते हैं, इसके बाद राइट क्लिक पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पेमेंट हो चुका है। इसके बाद आपको IRCTC के पेज पर आना है, थोड़ा समय तक वेट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा टिकट बुक हो चुका है दोस्तों, तत्काल टिकट हमारा बुक हो चुका है। यहाँ पे कंफर्म लिख चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा सीट हमारा कौन सा है, बर्थ कौन सा है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने फ़ोन से ही तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं IRCTC ऐप से। आप सबको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह का हर वीडियो को देखने के लिए बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटों को उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।